राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से इस्तीफे की पेशकश करके महाराष्ट्र की राजनीति को हिला कर रख दिया। इस्तीफा देने के दौरान अजीत पवार ने कहा कि वो पार्टी संगठन में काम करना चाहते हैं। अजीत पवार ने कहा, मैंने पार्टी में कई सालों तक काम किया है, मैंने कई पदों पर काम किया है। नेता प्रतिपक्ष का पद वो नहीं है जिसकी मैंने मांग की थी। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पार्टी विधायकों के आग्रह पर मैंने यह पद चुना, लेकिन अब मैं नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना चाहता हूँ। दरअसल अजीत पवार ने मुंबई के षणमुखानंद हॉल में राकंपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई और बातें कही। उनके बयान पर कई रिपोर्ट्स भी छपी। एक रिपोर्ट में उनका बयान छापा गया जिसके मुताबिक अजीत पवार कह रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि मैं अब पार्टी संगठन में एक पद पर काम करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। आप मुझे जो भी पद देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं संगठन में क्या कर सकता हूं। आपको बताएं तो अजीत के इस्तीफे की पेशकश ऐसे वक्त में हुई है जब एक महीने पहले पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। तब पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के कड़े विरोध और मांगों के बाद उन्हें अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसके बाद शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में घोषित कर दिया। अब अजीत पवार के इस्तीफे की पेशकश ने सभी को चौंकाया है। अपने इस्तीफे की बात पर अजीत ने ये तर्क भी दिया कि सभी जानते हैं कि वो मंत्रालय में कैसे काम करते हैं, वो बात को हाँ या ना में खत्म करते हैं जैसा 2019 के विधानसभा चुनावों में किया। आपको बता दें कि जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी तब अजीत पवार ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से पवार के इस्तीफे को स्वीकार करने के पक्ष में बात कही। उस वक्त सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी में शामिल होने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि खबरें ये थी कि बीजेपी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश तक की गई। हालांकि बाद में खुद अजीत पवार ने इन खबरों पर विराम लगाया, लेकिन अजीत के इस्तीफे की पेशकश ने नई चर्चा को हवा दे दी है। हवा ये कि क्या अजीत पवार की नाराजगी खत्म नहीं हुई, क्या अजीत पवार फिर से कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। कौन सा घोटाला हुआ है बोलने तो दो, फिर आज एक साल होने आया है क्यों चुप बैठे थे? और इसलिए आता हिंदी मध्ये चोराचा उल्टा बोंबा कसं सांगतात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, तो ऐसी उनकी स्थिति हुई है कि खुद ने चोरी की है, चोरी कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं, और इसीलिए हम 1 तारीख को मुंबई की ओर से, मुंबई की जितने सारी जनता है उनकी ओर से मुंबई महापालिका पर हम मोर्चा लेकर जाएंगे। जैसे पहले ही पता हो कि अगले दिन कुछ ऐसा ही होने वाला है, सत्ता से उद्धव ठाकरे के सवाल के 24 घंटे के भीतर ही उनके कारकुनों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई। पौ फटते ही आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों के 10 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी होने लगी। कोरोना काल में कोविड जम्बो केंद्र के लिए बीएमसी ने जिस कंपनी को ठेका दिया था उसके पार्टनर और बीएमसी के अधिकारी भी छापेमारी की जद में आ गए। बीएमसी के चुनाव से पहले उद्धव गुट और शिंदे गुट ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के इल्जामों की झड़ी लगाते हुए शिंदे सरकार ने बीएमसी में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी भी बना दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों के खिलाफ जांच को शिंदे सरकार के घोटाले से ध्यान भटकाने की चाल बता रहे हैं, लेकिन फडणवीस की माने तो ये चौंकाने वाला घोटाला है। ज्यावेळेस मुंबई महानगर पालिकेमध्ये कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले आणि त्यानंतर त्या कोविड सेंटर मधला घोटाळा बाहेर आला त्यावेळी अतिशय धक्कादायक माहिती बाहेर आली होती। कशा प्रकारे कुठलाही एक्सपिरियन्स नसलेल्या कंपन्या तयार झाल्या आणि लोकांच्या जीवाशी कसं अक्षरशः खेळण्यात आलं, त्यातनं कसे मृत्यू झाले आपल्यालाही कल्पना आहे। पुण्यामध्ये तर एका पत्रकारांचाच त्या ठिकाणी मृत्यू झाला आणि त्यामुळे या संदर्भातली चौकशी चालली होती। आता नेमकं त्या चौकशीत ती कुठपर्यंत पोहोचली आहे, आता या छाप्यांमध्ये काय मिळालेलं आहे हे ईडी सांगू शकेल, मला त्याची कल्पना नाही। कोरोना काल के दौरान मुंबई में कई कोविड सेंटर बनाए गए थे। ऐसा ही एक कोविड सेंटर मुंबई के दहिसर में बनाया गया था। इल्जाम है कि संजय राउत के बेहद करीबी बिजनेसमैन सुजीत पाटकर ने यह कोविड सेंटर बनाया था। इसके लिए सुजीत पाटकर ने रातों रात एक कंपनी बनाई जिसे नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस दिया गया। हालांकि इल्जाम कितना दमदार है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनावी मौसम में छापेमारी पर सियासत तो होनी ही थी। उद्धव खेमे ने भी छापेमारी को विपक्ष को डराने वाला हथियार बता दिया। बीएमसी में भ्रष्टाचार पर जारी आर पार की राजनीति के बीच उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा कम कर दी गई है। उद्धव की सुरक्षा अब जेड प्लस से घटकर वाई प्लस हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे परिवार की सुरक्षा में तैनात स्कॉर्ट वैन को भी कम कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले आरजेडी जेडीयू महागठबंधन की पहल पर विपक्षी एकता में साथ आ रही पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए मनमाफिक सीटें मिलना आसान काम नहीं होगा, बल्कि सबको बहुत जटिल गुणागणित पर खरा उतरना होगा। ये फॉर्मूला ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि इसे एक बार 1977 में आजमाया जा चुका है। जनता पार्टी ने 1977 में इसी फॉर्मूले से घटक दलों के बीच सीट का बंटवारा किया था, जिससे लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की करारी हार हुई थी। अब उसी फॉर्मूले को 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की गोलबंदी में अमल लाने की योजना है। महागठबंधन के सूत्रों ने इस फॉर्मूले के 23 जून की मीटिंग में प्रस्तावित होने की जानकारी दी है। आरजेडी और जेडीयू के नेता फॉर्मूला तैयार करके बैठे हैं, जिस पर 23 जून की मीटिंग में सबकी सहमति बनी है तो प्रस्तावित गठबंधन के अगले दौर की बातचीत में सीट बंटवारे के उलझनों को धीरे धीरे सुलझाने का काम शुरू होगा। नए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल में होगी, जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भी मुकाबला है। कांग्रेस बिहार में राजद जेडीयू के साथ, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम के साथ सरकार में शामिल है। वहीं बंगाल में टीएमसी, यूपी में सपा और दिल्ली पंजाब में आप के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ इसी फॉर्मूले के आधार पर सीटों पर समझौता हो सकता है। महागठबंधन सूत्रों के मुताबिक फॉर्मूले का एक पहलू ये भी है कि अगर किसी राज्य में किसी पार्टी को कम वोट शेयर के बाद भी गठबंधन की दूसरी पार्टी से ज्यादा सीट मिली है तो उसे सीट बंटवारे में वजन मिलेगा। इस फॉर्मूले का फायदा नीतीश कुमार की जेडीयू को होगा, जिसे 15.39% वोट शेयर के बाद भी चिराग पासवान के कैंडिडेट देने के कारण 2020 के चुनाव में 43 सीटों पर ही जीत मिली। आरजेडी इस चुनाव में 23.11% वोट के साथ 75 सीटें जीती। इस फॉर्मूले से जेडीयू का आरजेडी से ज्यादा सीट का दावा बनेगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद एक सीट नहीं जीत पाई, जबकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जेडीयू 2015 के विधानसभा चुनाव में भी 16.8% वोट के साथ 71 सीटें जीती। आरजेडी को 18.4% वोट शेयर पर 80 सीट मिली। बहरहाल अब सबकी निगाहें फिलहाल 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर है। बैठक के बाद ही सीटों के बंटवारे पर कोई जानकारी पार्टी की ओर से साझा होगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का एक तरीका होगा, लेकिन इस समय 23 जून की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है। त्यागी ने कहा है कि नीतीश की कोशिश रंग लाई है। खटिक समाज के सदर हाजी अरफात शेख ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे को एक दरख्वास्तनामा दिया। इस खत में उन्होंने खटिक समाज से मुतालिक मसाइल की जानकारी दी। इसके साथ ही बकरीद के त्यौहार के पेश नजर जिस तरह से बकरियों के ताजिर मुंबई के देवनार में बड़ी तादाद में आते हैं, हाजी अरफात शेख ने देवनार मंडी का दौरा किया और वहां दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इसकी जानकारी वजीर आला एकनाथ शिंदे को दी ताकि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। प्रमाण होता था जो व्यापारी दूर दूर से आते थे कि एक आस लेके व्यापारी इधर मुंबई शहर में आता है कि मैं साल भर बकरा संभालता है, उसकी एक आस रहती थी मैं मुंबई शहर में जाऊंगा, बकरा बेचूंगा, ईद में ज़्यादा दाम में बकरा बिकेगा, फिर उसके बाद मैं मेरी माँ का इलाज करूंगा, मेरी बिटिया की शादी करूंगा, मेरा घर बनाऊंगा, एक सोच लेके आता। लेकिन ऐसा कुछ साल पहले ऐसा हो रहा था कि वो व्यापारी आता, उसको बकरा चोरी हो जाता था या वो उसका कैश चोरी हो जाता था और उसको मिर्ची आंखों में डाल दिया जाता था या उसको ऐसी चीज़ खिलाई जाती थी कि सो जाता था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमारे जीएम पठान ने और कुलकर्णी जी ने जिस तरीके से एक सरकार के हमारे कमिश्नर ने जिस तरीके से एक अच्छी यंत्रणा बनाकर जो काम करने का काम किया है तो वो अपने आप में बहुत सराहना है। दोस्तों और साथियों, हम पिछले सैटरडे को चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ हमारा पूरा डेलीगेशन, पूरी जितनी वो महाराष्ट्र के ऑफिसर्स हैं, डीजी से लेकर कमिश्नर से लेकर सभी लोग आए थे वहां पर। मैं, रईस मेरे साथ थे, सत्तार भाई जो मिनिस्टर हैं वो सब थे, सब ने मिलकर के बात की थी और सरकार ने वादा किया कि बकरीद में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो जो हमारी डिमांड थी सब उन्होंने मान लिया था। तो अभी मुझे कुछ मैसेज आ रहा है कि कुरला में और जोगेश्वरी में पुलिस के साथ मिलकर म्यूनिसिपलिटी के लोग जो है बकरे पकड़ रहे हैं। देखिए, मैं म्यूनिसिपलिटी वालों और पुलिस वालों को बोल देना चाहता हूं कि सरकार ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी बकरे पकड़े जाना नहीं चाहिए। मैं अभी श्री देवेंद्र भारती साहब जो कमिश्नर हैं उनसे अभी मिलकर आया हूं और उन्होंने अभी कुर्ला के जो डीसीपी हैं उस एरिया के, उन्होंने कहा है कि उस एरिया में ज्यादा पकड़े गए, कोई भी बकरे पकड़ना नहीं चाहिए। देखिए, उसके बाद भी मैं आपको नंबर दे रहा हूं 2264-1752, दूसरा 9967402100, ये हेल्पलाइन है। जहां भी किसी को
कहीं भी ऐसी लगता है कि बजरंग दल के लोग बदतमीजी कर रहे हैं या कोई रस्ते में कुछ परेशान कर रहा है, इन दोनों नंबर पर बात कीजिए। इन लोगों ने वादा किया है कि इस बकरीद में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग उस कीजिए, और जब कहीं से नहीं कुछ मिले तो मुझे याद कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी कम्युनिटी को इस बकरीद में कहीं कोई तकलीफ ना हो और हम लोग इज्जत के साथ में अपना अपने जो है इस फरीजों को अंजाम दे सकें। शुक्रिया। बैंकों में गुलाबी नोटों के ढेर लग रहे हैं। लोग काफी 2000 के नोट बैंक में जमा करा चुके हैं, लेकिन 2000 का नोट वापस लेने के आरबीआई के फैसले से क्या फायदा होगा, ये सवाल अभी भी चल रहा है। अब इस पर एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक 2000 की नोट बदली से भारत के कई मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को बूस्ट मिल सकता है। इससे बैंक डिपॉजिट बढ़ेगा, लोन का रीपेमेंट बढ़ेगा और खपत भी बढ़ेगी। ग्रुप के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने इस रिपोर्ट में तर्क दिया है कि 2000 रुपए की नोट बदली के दूसरे फायदों में से एक डिमांड में तत्कालीन वृद्धि भी है। अनुमान के मुताबिक खपत मांग में 55,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया, नोटबंदी के विपरीत 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर बना हुआ है, इससे खपत में वृद्धि देखी जा सकती है। आरबीआई ने ग्राहकों को 2000 का नोट बैंक में जमा करवाने या बदलवाने के लिए कहा है, लेकिन ये उम्मीद है कि हाई वैल्यू अमाउंट हाई वैल्यू खरीदारी में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे लोग सोना, ज्वेलरी, एसी, मोबाइल फोन, रियल एस्टेट आदि की खरीदारी कर सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एनर्जी स्टेशनों पर नगद लेन देन, कैश ऑन डिलीवरी में खरीदारी, मंदिरों में दान और विभिन्न तरह की खरीदारी बढ़ने की भी संभावना है। ये भी तर्क दिया गया कि डिपॉजिट में इजाफा होगा। एसबीआई की इस रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया, हालांकि बैंकों में पैसा जमा कराने के बाद कुछ राशि वापस निकाल ली जाएगी, लेकिन मौजूदा ट्रेड को देखते हुए कासा डिपॉजिट के 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ने की संभावना है। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दर्शाता है कि 2 जून 2023 को समाप्त पखवाड़े के दौरान कुल जमा राशि में 3.3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। के सीईओ सुंदर पिचाई का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी डिवाइसेस डेवलप की जाएंगी जो केवल आग का स्कैन करके शरीर की हर बीमारी का पता लगा लिया करेंगी। बता दे, ट्विटर पर वायरल हुआ सुंदर पिचाई का ये वीडियो 2018 के गूगल आईओ इवेंट का है, जहां पिचाई ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई को गुड बाय, क्योंकि दिल की बीमारियों का पता आग को स्कैन करके लगाया जा सकेगा। डॉक्टरों को अब शरीर के अंदर का क्लियर व्यू मिलेगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो में सुंदर पिचाई ये कहते नजर आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई दुनिया के कई क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, जिसमें हेल्थ सेक्टर काफी अच्छा उदाहरण है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से परिवर्तन का कारक बन सकती है। हेल्थ ट्रैक में गूगल के एआई की शुरुआत तब हुई जब गूगल और अरविंद आई हॉस्पिटल की टीम ने साथ मिलकर एक ऑटोमेटेड टूल तैयार किया। इस टूल पर डायबिटिक रेटिनोपैथी को डिटेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा था। उन्होंने ऐसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जिससे मरीज के रेटिनल फोटो से कुछ सेकंड्स में यही पता लगाया जा सकता था कि उन्हें बीमारी है या नहीं। लास्ट ईयर एट गूगल आईओ वी अनाउंस्ड गूगल एआई। इट्स अ कलेक्शन ऑफ आवर टीम्स एंड एफर्ट्स टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ एआई टू एवरीवन। एंड वी वांट दिस टू वर्क ग्लोबली, सो वी आर ओपनिंग एआई सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। एआई इज गोइंग टू इंपैक्ट मेनी मेनी फील्ड्स. And I want to give you a couple of examples today. Healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced our work on diabetic retinopathy, which is a leading cause of blindness, and we used deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Aravind and Sankara hospitals in India, and the field trials are going really well. We are bringing expert diagnosis to places where trained doctors are scarce. It turned out, using the same retinal scans, there were things which humans quite didn't know to look for, but our AI systems offered more insights. Your same eye scan turns out holds information with which we can predict
the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event, heart attack or strokes. So to me, the interesting thing is that, you know, more than what doctors could find in these eye scans, the machine learning systems offered newer insights. This could be the basis for a new non-invasive way to detect cardiovascular risk. And we are working, we just published the research, and we are going to be working to bring this to field trials with our partners. Another area where AI can help is to actually help doctors predict medical events. Turns out doctors have a lot of difficult decisions to make, and for them, getting advance notice, say 24 to 48 hours before a patient is likely to get very sick, has a tremendous difference in the outcome. And so we've put our machine learning systems to work. We've been working with our partners using de-identified medical records. And it turns out if you go and analyze over 100,000 data points per patient, more than any single doctor could analyze, we can actually quantitatively predict the chance of readmission 24 to 48 hours before, earlier than traditional methods. It gives doctors more time to act. We are publishing our paper on this later today, and we are looking forward to partnering with hospitals and medical institutions. We'll be right back.